तो 2022 के मोस्ट सर्च सेलिब्रिटीज कौन से हैं उसकी भी यहाँ पर लिस्ट जारी होगी। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों के लिए स्टोरी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उससे पहले भी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बॉक्स ऑफिस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वाली मूवी ने यहाँ पर 675 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर दिया है वर्ल्ड वाइड। और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ यूएसए के अंदर रह के बात करूँ तो इस वाली मूवी ने डोमेस्टिकली 367 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर दिया है सिर्फ यूएसए में। और यस, यहाँ पर 675 मिलियन डॉलर के साथ ये वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा सुपर बिजनेस कर रही है बॉक्स ऑफिस में। यहाँ पर अगली अपडेट भी वकांडा फॉरएवर से जुड़ी है, तो यहाँ पर नेमोर कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर रहे हैं, आप इसको भी पास करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगली अपडेट भी नेमोर से जुड़ी है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट है। तो यहाँ पर नेट मोरे जो मार्वल स्टूडियोज़ के प्रोड्यूसर होते हैं डिफरेंट मूवीज़ के, इन्होंने इस वाली बात को ये कहा है कि यहाँ पर नेमोर की मूवी मार्वल स्टूडियोज़ में नहीं बन सकती। और वो क्यों नहीं बन सकती? बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न हल्क की मूवी नहीं बन सकती। हमें पता है हल्क के जो राइट्स हैं वो यहाँ पर जो है यूनिवर्सल के पास है, यूनिवर्सल स्टूडियोज के पिक्चर्स के पास। तो सेम एज नेमोर के राइट्स भी यहाँ पर यूनिवर्सल के पास है, तो इस वजह से वो यहाँ पर नेमोर की मूवीज नहीं बना सकते फिलहाल मिनिमम 2 या 3 सालों के लिए। तो ये वाला चीज़ नहीं हो सकता। अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला है, मतलब बड़ी चीज़ है कि उनके राइट्स लेना, उस पर मूवी बनाना। अब हल्क के बारे में हम सुनते हुए आ रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज के पास जो है हल्क के राइट्स आने वाले हैं, तो हो सकता है उनको नेमोर के साथ भी बिल्कुल यही करना पड़े अगर उनको नेमोर की मूवी बनानी है। फिलहाल तो इसका कोई भी चांस नहीं है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये भी कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर आया आयरन हार्ट का, जो कि इसका मार्क है 2.5 ईयर्स, जैसा कि आयरन मैन टोनी स्टार का मार्क था ना, मार्क 50 समथिंग। तो ऐसे यहाँ पे मार्क 2.5 का ये कॉन्सेप्ट आर्ट है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स से निकल कर आ रही है, और आप लोग भी कहते होंगे इसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स दे रहा हूँ क्योंकि अब यही मूवी आने वाली है स्पाइडर मैन की, तो इसके बारे में ज़्यादा बातें हो रही है। तो यहाँ पर इनके जो प्रोड्यूसर है फिल लॉर्ड, इन्होंने यहाँ पर इस वाली बात का हिंट दे दिया है कैसे यहाँ पर स्पाइडर मैन 2099, यस यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर स्पाइडर मैन है जो कि कॉमिक्स में देखने को मिलता है, ये यहाँ पर स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में कैसे आ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर ये जो स्पाइडर मैन है ये रीडल एक बैंड ऑफ फाइटर्स का, और यहाँ पर स्पाइडर मैन 1 की जो एंडिंग थी सब कुछ मल्टीवर्स हो गया था, जिसकी उसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो ये यहाँ पर ये जो पूरी टीम है स्पाइडर मैन 2099 की, ये यहाँ पर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनको क्लीन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे यहाँ पर निमटने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी कि अगर ये वाला स्पाइडर मैन भी हमें इस वाली मूवी में देखने को मिलता है। वैसे ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि हो सकता है टॉम हॉलैंड का स्पाइडर मैन भी आने को आ सकता है, तो लेट्स सी क्या होता है। अगली अपडेट के बारे में बात कर रहे थे और आई एम श्योर ये वाली अपडेट जो है ना आप लोगों को हैरान कर देगी। तो यहाँ पर जेम्स गन ने सबसे पहले ग्रूट के बारे में बात की, जो क्योंकि हमें ग्रूट देखने को मिला है हॉलीडे स्पेशल में। इन्होंने बोला यहाँ पर ये वाला ग्रूट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बिग हो चुका है। यहाँ पर इन्होंने इसकी फिजीक के बारे में बात की, इसकी फिजीक भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। और यहाँ पर सबसे चीज़ इन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में बात की, इसकी यहाँ पर ग्रूट की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू हिज फादर। अब यस, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फैंस शोक हो गए थे सुन के, इंक्लूडिंग मी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि यहाँ पर ये जो हमें ग्रूट देखने को मिल रहा है कब से, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 ग्रूट की जो सीरीज़ आई, और अब ये जो हॉलीडे स्पेशल में ग्रूट था ये यहाँ पर बेटा है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में जो ग्रूट आई थी उसका। यस, यहाँ पर ये दोनों सेम ग्रूट नहीं है। हम तो ये समझ रहे थे कि ये जो ग्रूट है वॉल्यूम 1 की एंडिंग में उसकी डेथ हो गई थी, वो दोबारा से जो है प्लांट है, क्योंकि प्लांट आहिस्ता दोबारा से रिबोर्न हुआ और यहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। एक्चुअली में वो वाला ग्रूट उसकी वहीं पर ही डेथ हो गई थी, ये यहाँ पर उसका बेटा है, यानी कि बेबी ग्रूट, या जो अब हम ग्रूट देखते हुए आ रहे हैं हॉलीडे स्पेशल में। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या रिएक्शन था जब आप लोगों को वाली चीज़ अभी पता लगी। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये लोगन मूवी की जो एक्ट्रेस है डेफनी कीन, जो कि हमें लोगन मूवी में देखने को मिलती है अलोंग ह्यूज जैकमैन, इन्होंने यहाँ पर एडवाइस के बारे में बोला, जो ह्यूज जैकमैन ने इनको एक एडवाइस दी है। और यहाँ पर इन्होंने बोला ह्यूज जैकमैन काफ़ी ज़्यादा अच्छे आदमी थे लोगन के सेट में, वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे। उन्होंने मुझे ये एडवाइस, उन्होंने यहाँ पर कास्ट और क्रियो के बारे में बोला कि आप लोगों को हर मूवी, कोई भी मूवी करो, उनकी जो प्रोडक्शन होती है कास्ट होता है क्रियो होता है, उनके साथ आपको अच्छा बिहेव करना चाहिए, आपको
मतलब सही गलत का पता होना चाहिए। और यहाँ पर मेन चीज़ उन्होंने यही बोला कि आप लोगों को हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जो भी कास्ट हो जो भी क्रू हो आपको चाहिए कि आप सबको इक्वली ट्रीट करो। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पर ह्यू जैकमैन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडवाइस थी टू डैफ्नी कीन। तो अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक्टर लुईस स्टान जो कि हमें डेडपूल 2 में देखने को मिले थे, तो यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया जिसके आगे इन्होंने हैशटैग डेडपूल 3 लिखा है। तो इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ गए हैं कि ये भी हमें डेडपूल 3 में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यही काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी न्यूज़ है। तो यहाँ पर डिज्नी प्लस वालों ने एक मार्वल की सीरीज़ को जो है वो यहाँ पर रिमूव कर दिया डिज्नी प्लस से। अब ये यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर ये सीन होता है कि एक अभी जो हॉलीडे स्पेशल आई थी इसमें हमें यहाँ पर ये पता लगा था कि डेड मेंटिस एंड पीटर क्विल और स्टार लॉर्ड बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने हॉलीडे स्पेशल देखी है। तो यहाँ पर ये इसके आने से थोड़े ही दिन पहले मार्वल की एक सीरीज आई थी मार्वल स्टूडियोज लेजेंड्स, जो हमें मार्वल के बारे में उस ग्रेटेड सीन जिसमें बताए जाते हैं उसमें उन लोगों ने ये वाली चीज़ रिवील कर दी थी एक ग्रेटेड सीन में, जहाँ पर जो ड्रैक्स हैं मेंटिस हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ड्रैक्स मेंटिस से ये कहता है तुम बता क्यों नहीं देती अपने पीटर क्विल को कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ एंड यू आर माई ब्रदर। तो यहाँ पर वो सीन इन लोगों ने गार्डियन और गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल से पहले रिलीज कर दिया था, तो यहाँ पर स्पॉइलर रिवील होना स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से उन लोगों ने वो वाला जो एपिसोड है उसको ही वहाँ से हटा दिया, एपिसोड को वहाँ से हटाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये जेम्स गन से निकल कर आ रही है। अब ये हम सबको पता है कि जेट जेम्स गन इज़ नाउ वेरी पॉपुलर, पहले भी पॉपुलर थे, अब वो वहाँ पर डीसी को लीड कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे कॉमन चीज़ ये है कि वो डीसी को तो लीड कर रहे हैं साथ वो मार्वल में भी काम कर रहे हैं, हॉलीडे स्पेशल उन्होंने अभी बनाई है उसको प्रमोट कर रहे हैं, वॉल्यूम 3 भी आने वाली है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैंस होते हैं, आई डोंट नो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बड़ी तकलीफ होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है जेम्स गन से इस बारे में। वो यहाँ पर जेम्स गन को काफ़ी ज़्यादा बुरा बुरा कह रहे हैं कि आप डीसी के चलते मार्वल स्टूडियोज़ को क्यों प्रमोट कर रहे हो। तो यहाँ पर दो फैंस उन्होंने जेम्स गन को ये लिखा, सबसे पहले तो एक फैन ने ये बोला कि अगर मैं डेविड ज़ेसलव होता मैं यहाँ पर जो है ना जेम्स गन की आधी सैलरी कट कर देता, मतलब वो वाला सैलरी का कुछ पार्ट कट कर देता जिसमें वो यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज़ को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें जेम्स गन ने भी काफ़ी ज़्यादा सुपर आंसर दिया जो कि मुझे रिप्लाई दिया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी कि इसमें कोई भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ डेविड ज़ेसलव को पता है और यहाँ पर प्री कमिटमेंट्स की सब चीज़ों को डेविड ज़ेसलव को सब चीज़ों के बारे में पता है कि यहाँ पर मैं मार्वल को प्रमोट करूँ। यहाँ पर हम दूसरे फैंस ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जेम्स गन को क्या हो गया, वो डीसी के हेड हैं डीसी को लीड कर रहे हैं, वो यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज़ की चीज़ें क्यों प्रमोट कर रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैंस बुराइयाँ कर रहे हैं। तो जेम्स गन यही कह रहे हैं कि मतलब जेम्स गन भी यही कह रहे हैं कि इसमें इतनी बुरा होने वाली चीज़ क्या है। और बस एग्री कर तो गया, मतलब अब मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि हम जो है ना फैंस ही आपस में लड़ते रहते हैं, मार्वल के फैन डीसी को कहते हैं डीसी के भी मार्वल को कहते हैं, और यहाँ पर ये कुछ 2 या 3% ऐसे लोग हैं वरना 97% जो है ना वो मार्वल फैंस डीसी को भी सपोर्ट करते हैं, डीसी के फैंस मार्वल को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी मूवीज़ है मार्वल स्टूडियोज़ की लाइक स्पाइडरमैन होमकमिंग, उनके कुछ जो सीन्स हैं वो यहाँ पर वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियोज़ में शूट हुए हैं। आप यहाँ से समझिए कि मार्वल स्टूडियोज़ के सीन डीसी स्टूडियोज़ के जो हेड है वार्नर ब्रदर्स वहाँ पे शूट हुए हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मतलब मेन बॉसेज है कंपनीज हैं उनको आपस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कुछ लोग हैं जो आपस में ऐसे करते रहते हैं। तो पर्सनली इसमें कोई बुरी चीज़ थोड़ी है मार्वल स्टूडियोज़ के, ऑफकोर्स वो करेंगी प्रमोट करेंगी वो यहाँ पर क्या उनकी वो वाली चीज़ है। तो मैं ये भी अपडेट थी मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट की। तो यहाँ पर एक लिस्ट जारी कर दी गई है जहाँ पर हमें 2022 के मोस्ट सर्च सेलिब्रिटीज जो है उनकी लिस्ट जारी की गई है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों को क्या लगता है नंबर 1 पे किसका नाम होगा सबसे ज़्यादा गूगल मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी में। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं नंबर 1 से स्टार्ट करूँ तो नंबर 1 पे नाम है और किसी का नहीं बल्कि यहाँ पर एम्बर हर्ड का। यस, यहाँ पर एम्बर हर्ड एक्स वाइफ ऑफ जॉनी डेप। आप लोगों को पता है जॉनी डेप एम्बर हर्ड का कितना ज़्यादा केस बना था और यहाँ पर ऑफकोर्स एम्बर हर्ड का नाम आना ही था। और यहाँ पर नंबर 1 पे एम्बर हर्ड का नाम है, नंबर 2 पे आप लोग खुद ही समझ गए होंगे किसका नाम होने वाला है जॉनी डेप का। यस, जॉनी डेप नंबर 2 में है इस वाली सर्च लिस्ट में। नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पे नाम है और किसी का नहीं बल्कि क्वीन एलिजाबेथ 2 का, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है 96 ईयर्स ऑफ एज में। तीसरा नंबर इनका है, फोर्थ नेम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टॉम ब्रेडी जो कि अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर है इनका है। फिफ्थ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर किम कार्डेशियन का नाम है। और सिक्स्थ पे बात करूँ पीट डेविडसन का नाम है जो कि एक एक्टर है। अब यहाँ पर सेवेंथ के बारे में बात कर रहे थे, ये यहाँ नाम पर नाम है
इलोन मस्क का जिन्होंने अभी रिसेंटली ट्विटर को बाय किया। तो यस, यहाँ पर एम्बर हर्ड जो है वो लीड कर रही है मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी में ऑफ 2022। तो बस ओवरऑल वीडियो में ये था, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बता सकते हैं। फेवरेट अपडेट कौन सी थी वो भी जरूर बताएगा। चैनल पर नहीं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।